गाजीपुर में गंगा का जल स्तर तेजी से उतरता जा रहा है। सोमवार को उतार का स्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा मापा गया। सोमवार को दोपहर 12 बजे गंगा का जल स्तर 63.080 मीटर पहुंच गया। एक सप्ताह में चेतावनी बिंदु और खतरे का निशान पार कर हाहाकार मचाने को आतुर गंगा गुरुवार को ही स्थिर हो गई थी। शुक्रवार से गिरावट का तेज सिलसिला शुरू हुआ, जो 1-2 सेंटीमीटर होते हुए सोमवार को 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गया। मालूम हो कि गंगा का जलस्तर फिलहाल खतरे के बिंदु से नीचे आ चुका है। हालांकि अभी भी गाजीपुर में गंगा चेतावनी बिंदु से ऊपर चल रही हैं। दरअसल एक सप्ताह तक गंगा ने अपनी बाढ़ लीला दिखाई। जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि ग्रामीण क्षेत्रों समेत गाजीपुर नगर के भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी लग गया। कई मुख्य मार्गों पर जल जमाव होने से आवागमन भी ठप हो गया था। कई तटवर्ती इलाकों में लोगों को अपना घर छोड़ राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। हालांकि अभी भी गाजीपुर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी लगा हुआ है। जल स्तर के कम होने से तटवर्ती इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। माना जा रहा है कि एहतियातन फरक्का में खोले गए गेट से पानी तेजी से निकल गया और स्थिति बदल गई। MP व राजस्थान आदि में बरसात रुकना भी गंगा का जलस्तर कम होने का बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि गुरुवार को निरीक्षण पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सितंबर तक अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। वैसे भी गंगा में बाढ़ का सितंबर तक आना जाना लगा रहता है। फिलहाल गंगा तटवर्ती इलाकों में बाढ़ के उतरे पानी से भले राहत दे दी हो, लेकिन अब लोगों का सामना दुश्वारियों की बाढ़ से है। बड़ी चुनौती है कीचड़ व जल जमाव वाले इलाकों में डेंगू मलेरिया समेत संक्रामक बीमारियों से लोगों की जान बचाने की। अब प्रभावित लोगों समेत शासन प्रशासन को इन चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।